थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा, किसी की अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी की अच्छी सेल हुई होगी। जिस भी भाई का जो भी एक्सपीरियंस है, जिसके शेयर करने से बाकी लोगों का फायदा हो सकता है, बाकी ग्रुप का फायदा हो सकता है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें, हम आपको अलाउ करेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। प्रेम पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं? एक तो अगर आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे ना, स्पीकर को बोलने में बहुत मजा आता है। आज के स्पीकर बड़े डायनेमिक स्पीकर हैं और आपको आज 50 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो जो आपका अगर कोई क्वेश्चन है उसको लिख लें, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। किसी का डिजिटल हैंड रेज नहीं है? अंदाज सरोड़ा साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सब सभी मित्रों को नमस्कार जी। नमस्कार। मैं शेयरिंग में कुछ ये बताता हूँ कि पेशेंस की क्या वैल्यू है। एक बार एक कस्टमर के पास मैं गया, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं उसके केबिन में बैठा रहा, वो 1 घंटा फोन पे बात करता रहा। अब उसकी कोई जरूरी बात होगी। हेलो अरोड़ा साहब, बोलिए बोलिए सर। तो 1 घंटा वेट करने के बाद मैं उठा, मैंने उनसे कहा कि आप बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगा। मेरी इस बात से भी वो नाराज हो गया, वो गुस्से में था, मैं चला आया। मैंने घर आके उसको मैसेज किया, सॉरी मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं। अगले दिन फिर उसका फोन आता है, भाई गलती मेरी थी, आप आ जाओ। तो मैंने वहां से 4 पॉलिसियां निकाली 50-50 लाख की। 50-50 लाख की? ग्रेट सर। उसमें क्या बोला सर? वो वही चाहिए हमें। नहीं मतलब वो बिजी थे, 1 घंटा बात करते रहे फोन पे, मेरा अपॉइंटमेंट था उनके पास, मैं 1 घंटा वेट करने के बाद मैंने कहा कि सर आप बिजी हो, कि मैं बाद में आऊंगा, कोई बात नहीं। वो ठीक है, लेकिन 50-50 लाख की पॉलिसी कैसे बिकी सर, वो बताओ हमें, वो क्या बोला आपने? नहीं पर्सपेक्टिव तो थी मेरी। अच्छा, मतलब मैंने उनको लिखा, दोबारा मैसेज लिखा कि सॉरी मेरी वजह से आप परेशान हुए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे जी। फिर अगले दिन उनका फोन आता, भाई गलती मेरी थी, मैं आप नाराज हो गया, आप आ जाओ आप जी। तो मेरा मानना यह है कि आप कस्टमर की मना स्थिति को भी समझना जरूरी है कि वो उसकी परेशानी क्या है जी। मतलब मान लिया कस्टमर की भी गलती है, अगर हम तब भी झुक जाते हैं तो जीत हमारी होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हमारा प्रोफेशन है वो पेशेंस का प्रोफेशन है जी। मतलब आदमी सोचता है कि मैं तुरंत बाग लगाऊं और आम लगने शुरू हो जाए, तो हमारे प्रोफेशन में वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, पेशेंस नहीं छोड़ना। ठीक है सर, ठीक। तो ये चीज हमें, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सुबोध पंडित जी बोलिए सर। नमस्ते 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 सर, नमस्ते सर। एक स्मॉल शेयरिंग है जी। कि अगर रेफरल के साथ आपको बिजनेस कैसे मिलता है इजी वे से, तो वो जो प्रीमियम है वो 1,10,000 का है, तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अगर अच्छे से रेफरल हो तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आता है। तो उनके डायरेक्टर को हमारे क्लाइंट थे, तो बहुत बार बातचीत होता होगा ग्रुप में या कुछ है, तो वो काम छोड़ दिए, जो क्लाइंट था मतलब जो कैंडिडेट था छोड़ दिया। अभी वो ओला में काम कर रहा है, तो ऐसे ही कॉल किया, एक दिन मैसेज किया, हाय हेलो चल रहा था चैटिंग। तो वो पहले ऑलरेडी उनके बॉस जो है उनको बता चुके थे कि पंडित जी ऐसे हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस के अच्छे आइडिया रखते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप आइए, कुछ मुझे समझना है, इन्वेस्ट करना है। तो हम बोलिए, एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिसको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करें। यस ओके सर। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे कुछ प्लान बताइए। हम बोले आपका इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, कितना आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का? तो 1,00,000 रुपया के करीब कुछ बताइए सर। फिर मैंने 2-3 प्लान भेजा,
और इसके बाद वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, फिर बोले कि सर आ जाइए संडे को 7 बजे और कॉल कर देते हैं। तो इतना इजी से क्लोजिंग हुआ और 1,10,000 का प्रीमियम, और ऐसे भाव और स्वागत से उन्होंने मेरे को रिसीव किया, उसे लगता है कि रियली ये वंडरफुल प्रोफेशन है बहुत अगर सही ढंग से किया जाए तो। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत यू वेरी बढ़िया। मच सर, थैंक यू। डॉक्टर मनीष जैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर मैंने तो अभी नया नया ज्वाइन करा है, से फास्ट 2 मंथ्स हुए हैं आप, अभी। हाँ कोई बात नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस है सर, आपने मैं 2008 से हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा हूँ, ओके 2008 से। तो अभी फर्स्ट टाइम ही मैंने लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कराया है। केएम शर्मा सर की गाइडेंस में तो मिल गया थी रेगुलर, ओके और भारतीय जनता का मैंने अपना वो लिया है, एजेंसी ली है। पर सर भारतीय एग्जाम में मेरे को जो प्रॉब्लम आई ना, मैंने 2 टर्म इंश्योरेंस डाले 1-1 करोड़ के, और इंश्योर जो था 26 ईयर मेल, IT एयरटेल में लग रहे हैं दोनों, T2 टेलर हैं, कोई ऐप नहीं है किस तरह का। बट उन लोगों ने आज 25 दिन हो गए, 25 डेज तक अब तो कोई जॉब नहीं आया उनके वहां से, पॉलिसी अटकी पड़ी है, पेमेंट अटकी पड़ी है। अल्टीमेटली फिर मैंने जो तो अपने मेरे वो हैं मैनेजर हैं उनको बोला कि भैया आप मंडे को उन कैंसिलेशन डाल दो, मैं कहीं और दे दूँगा। पर क्या ऐसा भी होता है मेरे को मालूम नहीं, प्लीज मेरे को गाइड कीजिए इस बारे वो तो आप पता करना पड़ेगा ना सर, किस वजह से पॉलिसी रुकी हुई। में। कोई भी जॉब नहीं है सर, ना मैनेजर का जॉब है ना उनका जॉब है, कोई जॉब नहीं, कहीं से कोई जॉब नहीं। आप ये बताइए, 26 साल के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, दोनों अनमेरिड हैं, दोनों एयरटेल में लग रहे हैं, 25-25 लाख का पैकेज दे रहे हैं, CTC खा रहे हैं वहां से, उनकी 1 करोड़ की पॉलिसी भारतीय नहीं कर चलिए ठीक है सर, इस इसका इसका देखते हैं, पा अरोड़ा जी से बाद में इसका आंसर लेंगे। रही। हाँ आप मुझे ही गाइड कीजिए कि क्या मेरे को हाँ इंश्योरेंस ठीक प्रेजेंट करनी है क्या नहीं। ठीक है ठीक है सर, ठीक, करेंगे थैंक यू सर, ठीक थैंक ठीक यू, धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और कोई, किसी भाई का कोई एक्सपीरियंस है, कोई बोलना चाहते हैं? आज हमारे साथ इंदर पाल सिंह बिंद्रा जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपने आप को अनम्यूट करके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। इंद्रपाल जी गुड मॉर्निंग। इंद्रपाल जी नमस्कार सुनील जी, नमस्कार नमस्ते, आई एम साथियों। गुड, बहुत बढ़िया सर। अतुल जैन जी के द्वारा कल एक आमंत्रण पहुंचा था, जिसमें पता लगा कि सुरेश अरोड़ा जी हमारे चहेते चाचा जी आज के प्रवक्ता हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सबसे अपनी बात, मन की बात कुछ करने के लिए आए और हम सुने नहीं। तो बस इसी प्यार और मोहब्बत के वजह से मैं खेजा चला आया ठीक है आज ठीक है, उनको सुनने के लिए। थैंक यू सुनील थैंक भाई, यू। ऐसा कोई अभी दिमाग में इंस्टेंटली कोई ऐसी चीज नहीं आ रही कि मैं शेयर करूं। जी, बस एक, इससे पहले हमारे एक साथी भाई ने कहा, वो अच्छा लगा मुझे, कि यस हमारा जो ये व्यवसाय है वो ऐसा नहीं है कि आज ही पेड़ लगाएंगे और आज ही फल आएगा। तो इसमें समय लगता है और निरंतर हमें प्रयास करते रहना होता है और फल आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस पेड़ के से हम अपेक्षा कर रहे होते हैं, फल वहां से आने के बजाय उसके बगल वाले पेड़ से पहले आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया, लगे रहना है, यही हमारा काम है सर। थैंक यू बिंद्रा साहब, थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करने के लिए, हमारे अशोक कालरा जी हैं, अशोक कालरा जी से मैं निवेदन करूंगा कि चाचा जी का इंट्रोडक्शन दें। अशोक कालरा जी, पहले नमस्कार मित्रों। मैं बता दूं, अशोक कालरा जी ने सिंगल सिंगल पॉलिसी में 2 बार TOT किया है। एक बार जोरदार तालियां अशोक कलरा जी के लिए। सिंगल पॉलिसी में TOT करना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों की तो 20-20 या 50 बार पॉलिसी में नहीं होती, वो भी एक बार नहीं 2 बार किया इन्होंने। जी कलरा साहब नमस्कार मित्रों, आप सभी का नमस्कार। FPRT के मंच पर स्वागत है। वैसे जिस शख्सियत के इंट्रोडक्शन के लिए मुझे कहा गया है, वो शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। सुरेश अरोड़ा जी इतने डायनामिक और इतने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब अपनी शुरुआत की दौर के अंदर उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी करी, तो बैंक की नौकरी के अंदर भी बहुत अच्छे
रिजल्ट्स उन्होंने क्रिएट करे, वहां से पीपीएफ की जर्नी शुरू करी, तो पीपीएफ के भी 1, 2, 3, 4, 5 हजार अकाउंट उन्होंने खोल डाले और वहीं से उनकी शुरुआत हुई लाइफ इंश्योरेंस की। और लाइफ इंश्योरेंस में भी आज हम अगर उनकी एज को ना देखें तो उनका जो पैशन है वो एक 18 साल के लड़के की तरह से नजर आता है, और आज आपको वो पैशन उनकी इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी नजर आएगा कि 18 साल का लड़का जिस हिसाब से, जिस जुनून के साथ काम करने का मन रखता है और बिना इस चीज को दिमाग में रखे हुए कि कहाँ से रिजल्ट आएगा कहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा, और वो अपनी प्रेजेंटेशन पर ही ध्यान देते हैं। आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा चाचा जी का, और मैं अकेला ही क्यों स्वागत करूं, मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर सुरेश अरोड़ा जी का। अरोड़ा साहब अपने आप को अनम्यूट कर लो। थैंक यू अशोक भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है अशोक भाई? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है चाचा जी। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं तो सिर्फ एक काम करना जानता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई खूबी नहीं है, सिर्फ मुझे एक वजह है कि काम करना है। और दोस्तों आज जो टॉपिक हमने, जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियल पैरामिड है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं, हम सब इंश्योरेंस एजेंट हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब हम अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो हम प्रेजेंट जो भी बात करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन में दो चीजों का मिश्रण जरूर होना चाहिए। पहला है कि हमारी प्रेजेंटेशन इमोलॉजिकल होनी चाहिए, इमोशनल टच भी होना चाहिए और साथ साथ जो है ना वो लॉजिकल भी होना चाहिए, मतलब उसमें साइंस भी होनी चाहिए, तभी सामने वाला हमारी प्रेजेंटेशन को स्वीकार करेगा और हमें रिस्पेक्ट भी देगा, और हमारे को सीधा प्लान पे ना उतर के हमारे को अपने जो बातों को प्रेजेंट करना है वो कॉन्सेप्चुअलाइज करना है कॉन्सेप्ट से, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति को मतलब कुछ रिबेट चाहिए, अगर हम उसको कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो है ना ड्यूरिंग दी कॉन्सेप्ट की का जब हम उसका अनावरण करते हैं तो बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हमारी कॉन्सेप्ट में ही, हमारी प्रेजेंटेशन में ही रिमूव हो जाती है। और दूसरा यह है रिबेट की बात, अगर हमने उसको दिमाग से कैच कर लिया और दिमाग उसके उसके दिमाग के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर दिया तो हो सकता है वो रिबेट को ही भूल जाएगा। तो मेरा ऐसा अनुभव है, मानना है, बाकी हरेक का अपना अनुभव है। तो हम अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं, तो दोस्तों मैं कभी भी, जब भी मोस्टली मैंने अपनी जब भी प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्लाइंट से एक बात करता हूं, एक ये एक स्वामी विवेकानंद जी की एक पिक्चर से शुरुआत करता हूं, और मैं उनको ये बात बोलता हूं कि देखो मैं स्वामी विवेकानंद जी का फैन हूं और मैं उनको बहुत मानता हूं, और ये जो उनकी एक ये सेइंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहता हूं कि कोई कोई भाई इसको पढ़े, अगर पढ़ सक पढ़ के बताए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर, बस 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 याद है कि हम ही अपने अपने लाइफ के प्रति जिम्मेदार हैं, जो आज है हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। नेक्स्ट लाइन भाई साहब, एंड वट एवर वी विश अवर सेल्फ टू बी, और जो हम भविष्य में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं उसके भी जिम्मेदार हम हैं। वो कहते ना हमारे माइथोलॉजी में अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अपनी मतलब जीवन का विधाता मैं ही हूं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी लाइफ आज की डेट में अच्छी है या खराब है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं,
आगे सुनील भाई, वी हैव द पावर टू मेक अवर सेल्फ। ये देखो, ये भगवान की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। भगवान ने हमारे को इतनी पावर दे रखी है कि हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। एक मैं मतलब हम गरीब घर में पैदा हूं, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम गरीब मरे ये हमारे हाथ में है। ये हम हमारे पास भगवान ने हमारे को पावर दी है कि हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। नेक्स्ट भाई, इफ व्हाट वी आर नाउ हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अवर ओन पास्ट एक्शन। अगर आज जो भी कुछ है, जहां भी है, हमने जो भी काम किया, उसी की वजह से तो आज इस प्रेजेंट पोजीशन पे हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं सुनील जी के नहीं? जी करते हैं। और अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट सर्टेनली फॉलो दैट व्हाट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अवर प्रेजेंट एक्शन। यस, सो वी हैव टू नो हाउ टू एक्ट। अगर जो भविष्य में हम बनना चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा है, तो वो हमारे प्रेजेंट एक्शन से ही आगे सृष्टि होगा। अगर हम जो प्रेजेंट एक्शन करते हैं उसी हिसाब से ही हमारा भविष्य आगे बनेगा। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमें कैसे काम करना है, तो आगे कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर इस हम अगर प्रेजेंटेशन से हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसको इमोशनली कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं सीधा कि फाइनेंशियल पैरामिड। अब पैरामिड दोस्तों, एक ये ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इसमें है कि सिंस 3200 BC बिफोर क्राइस्ट से ये पैरामिड जो है ना मिस्र में है, और ये आज भी स्ट्रॉन्गली खड़े हैं। 3200 साल पहले, आज 2000 साल और हो गए, तो 5000 साल से ये स्ट्रक्चर खड़ा है, और इसलिए इसको माना जाता है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। मतलब इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर मतलब अर्थ में के आजू बाजू अर्थक्वेक भी आया होगा, और बहुत मतलब भयानक सिचुएशन भी पैदा हुई होगी, हवाएं भी चली होंगी, पर ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अभी तक एज इट इज खड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट में हम आज की हमारी बिल्डिंग है, जरा सा अर्थक्वेक आता है या कुछ, 2 मिनट में धराशायी हो जाती है। जैसे ये बिल्डिंग हमारे को सामने दिखाई दे रही है, ये हमारी बिल्डिंग 2 मिनट में धराशायी हो जाती है। और हमने उत्तराखंड में देखा और भी बहुत सारी खबर आती है। तो हमारी ये बिल्डिंग जो ना ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, परंतु हमारा पैरामिड खड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब इसमें पैरामिड की क्या खासियत है? ये पैरामिड का बेस जो है ना वो इसके अंदर 4 साइड है और 4 साइड इक्वल है, और इसके अंदर जो है ना ये ऊपर जाके अपेक्स बन जाता है। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड है, और इसके अंदर हमारे इस जो 4 साइड है उसका बेस क्या है? बेस हमारा है, अब हम आते हैं फाइनेंस के ऊपर। जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग अगर हम बढ़ाएंगे तो नीचे हम फाउंडेशन लगाते हैं, तो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन पे हमारे क्या, इनके क्या बेस क्या है? तो बेस में हमारा आता है, पहला आता है फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या है। फाइनेंस मीन्स जो हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो हमारा फाइनेंस है, और ये फाइनेंशियल प्रायोरिटी। दूसरा आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हमने प्रायोरिटी डिसाइड की, अब उसको उससे उसका स्ट्रक्चर क्या बने, कैसे बने। जैसे एक बिल्डिंग है हमारे पास, हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें 2 रूम बनाने हैं, ड्राइंग रूम बनाना है, आपका पूजा रूम बनाना है, स्टडी रूम बनाना है, सर्वेंट रूम बनाना है, हमारे को किचन बनानी है, तो ये हमारी प्रायोरिटीज होगी। अब हमारे को कैसे स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, फाउंडेशन कैसे बनानी है, और उसमें क्या पिलर पे बनाना है या दीवारों पे बनाना है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो उसी हिसाब से हमारा
ये सेकंड डायमेंशन इसकी आती है स्ट्रक्चर की, और तीसरी है नेचर ऑफ एसेट कि हमारे जो एसेट जो है वो हमारी एसेट का नेचर क्या रहे, और फोर्थ है ये डायमेंशन ऑफ एसेट, ये हमारा ये हमारे एसेट की डायमेंशन क्या रहे। तो ये कुल मिला के हमारा ये चारों साइड से हमारा एक ये फाइनेंशियल पिरामिड इसके बेस पे हमारा चलता है। अब ये साइड्स ऑफ फाइनेंशियल पिरामिड में हमने जैसे देखा, पहली साइड है फाइनेंशियल प्रायोरिटी, दूसरी साइड है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तीसरा साइड है नेचर ऑफ एसेट, और चौथा साइड है डायमेंशन ऑफ एसेट। दोस्तों ये हमारे चार साइड है, हम एक एक नाउ अब हम एक एक प्रायोरिटीज के ऊपर फर्दर बात करेंगे। तो पहले आती है हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटी। फाइनेंशियल प्रायोरिटी हमारी क्या है, हमारे जीवन के अंदर हम ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें अपने फैमिली के प्रति हमें निभानी है। जैसे हम इस दुनिया के अंदर जब आए थे तो 1.5 फुट के थे और 1.5 इंच के थे, 1.5 फुट के थे और 1.5 किलो के थे, और हमने 25 साल तक मेटाफिजिकल एनर्जी एक्वायर की, और उसमें हमारी इनकम तो थी नहीं, उसमें हमारी पेरेंट ने सपोर्ट किया। तो वही जब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं तो हम भी पेरेंट बन रहे हैं, तो हमारी भी हमें भी बच्चों को पढ़ाना है, उनको एजुकेट कर उनको जो है ना, दूसरी प्रायोरिटी हमने ये हमने फैमिली की केयर करनी है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, हायर एजुकेशन भी देनी है, हमें उनका कैरियर सेटलमेंट भी करना है और मैरिज भी करनी है, और अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है वो भी हमें उनकी केयर करनी है। ये हमारी लाइफ के अंदर ये ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने जीवन में अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन चीजों की इनको हमारे को पहला हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो इन इन जो हमारी ये ड्यूटीज हैं इनको निभाने की रहेगी। अब ये कैसे निभेगी, हमारी इनकम से जो हम कमा रहे हैं उससे, और ये इनकम क्या हमारा रिसोर्सेज है, और इस ड्यूटीज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो रोजमर्रा के खर्चे हमारे, और जो कि हम रेगुलर इनकम से अपनी रेगुलर जो इनकम है उससे पूरा कर सकते हैं, और एक कुछ हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम जिसके लिए हमें बड़ा पैसा चाहिए, और वो टाइम टू टाइम आती है। अब बच्चों की हायर एजुकेशन है 18 साल पे 17 साल पे शुरू होती है, तब हमें लमसम चाहिए, उसका पीजी का हमारी एजुकेशन है वो 21 साल पे चाहिए, उसका कैरियर सेटलमेंट करना है या उसको बिजनेस क्रिएट करना है तो 24-25 साल पे वो भी हमारे को चाहिए, उसके लिए भी हमारे को लमसम मनी उस समय चाहिए, फिर उसकी मैरिज करनी है तो जब मैरिज का समय आएगा तब हमारे को चाहिए। तो ये हमारे जो ये मेजर एक्सपेंसेस है इसके लिए भी हमारे को प्रोविजन प्रायोरिटी पहली देनी है। ये तो या तो हम अपनी इनकम से करें या कुछ एसेट ईयरमार्क करें जो हमारे को इनकम दे दे, तो उससे हम अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। अगर दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे कुछ, मैं सही जा आपको दिखा बता पा रहा हूँ? बहुत बढ़िया बता पा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा अब देखो हमने तो ये ड्यूटीज तो हम अपने जीवन में अवॉइड कर नहीं सकते, ये तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। हम हैं तो हम अपनी इनकम से करेंगे, अगर बाय द वे हम नहीं है इफ वी हैपन टू डाई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी खड़ी रहेगी। ये मरती नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जो समय आएगा ना इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने पे उस समय ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा होना है चाहे हम हैं या नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर जो है ना इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारे जीवन में ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। अब
एक बंदा जब चला जाता है, दुनिया से डेथ हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, तो चार चीज आती है, एक लव चला गया, अफेक्शन चला गया, और जो परिवार का मुखिया है वो लीडरशिप भी चली गई, और वो परिवार को दो दो लाख रुपए कमा के दे रहा था तो वो भी चला गया। तो अब आप ये देखिए कि जब हमारा परिवार में जो जो पैसा एक मुखिया कमा के दे रहा था वो नहीं है, और वो परिवार के वेलबींग के लिए काम कर रहा था, अगर वो परिवार में पैसा आना बंद हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस परिवार के लिए क्रिएट हो सकती है। अगर मैं कॉरपोरेट का एग्जांपल लूं, अब कॉर बिजनेस है, बिजनेस में पैसा नहीं है, बैंकरप्सी हो गई, बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना ऑफिस शोरूम का शटर बंद कर देगा और एम्प्लॉई को बोलेगा जाओ भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, यहां तक तो चले वो चलेगा, परंतु क्या परिवार में हम अपने बच्चों को बाहर कर देंगे क्या, क्या बीबी को छोड़ देंगे क्या? तो हमारे को उनका केयर करना हमारी ये प्राइमरी ड्यूटी है, और अगर हमारी फैमिली रन्स आउट ऑफ मनी तो सबसे बड़ी क्या चीज है, दे विल लिव एंड दे विल सफर। कितना पेन उनको सफर कर होगा ये तो जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो दोस्तों यह हमारी जो ड्यूटी है ना, ये हमारी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, और मैं तो एक बात कहूंगा कि इस ड्यूटी के लिए हमारे को अपनी इनकम कैपेसिटी है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और दूसरा जो मेजर एक्सपेंसेस है उसके लिए हमें सेविंग करने की जरूरत है। तो ये हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों ये बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। और सेकंड हमारे लेवल की जो प्रायोरिटी आती है वो आती है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस आजकल सेल्फ रिलायंस हम चारों तरफ सुनते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ को जो रिटायर्ड लाइफ है उसको खुशी से जिए। दोस्तों हमारी लाइफ में तीन स्टेज है, 0 से 25 तक हम अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए जीते हैं। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या लॉयर बने, या प्रोफेशनल बने, हमारा 25 साल तो उसमें निकल जाता है, और 25 से 60 साल हमारा जो लग जाता है ये सेकंड स्टेज है कि हमारे बच्चे आ गए, उनकी पढ़ाई के लिए पहली जो ड्यूटी है उनको पूरा करने के लिए हमारा चला जाता है, और थर्ड स्टेज आती है जब हम हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और कमाने लग जाते हैं, और वो जो हमारी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस समय वो हमने पूरी भी कर दी होती है, उसके बाद हमारे को अपने लिए जीना है। और जिस पत्नी ने हमारे को सारी उम्र हमारा साथ निभाया है, हमारे को अपने जीवन को चलाने में हमारे साथ खड़ी रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया उसने, उसको भी उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है कि रिटायर्ड लाइफ के अंदर उसकी भी लाइफ गोल्डन रहे और हमारी भी लाइफ गोल्डन बने। तो उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ ये मतलब हमें प्रोविजन करना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि उस स्टेज पे हम अगर काम भी करना चाहेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है वो काम करने की रिड्यूस हो जाती है इस वजह, और हम दोबारा एम्प्लॉयमेंट का चांस भी खत्म हो जाता है, प्लस हम अपनी लाइफ के अंदर कोई और एडजस्टमेंट भी अगर एडजस्टमेंट भी करना चाहें जिस लाइफ में हमने अब तक जिया है, अब उससे 50% 40% लाइफ की एडजस्टमेंट भी करना चाहें, डाउन अपने लेवल को लाना चाहें, इट विल बिकम वेरी पेनफुल। तो दोस्तों उसके लिए हमारे को एक पैसिव एंड गारंटेड इनकम के लिए एक कॉर्पस तैयार करना चाहिए, और उसका और ताकि जब हम उस स्टेज पे आए तो हमारे को अगर हम काम कर पाए ओके, नहीं कर पाए तो हमें बिना काम करे एक प्रोडक्टेबल इनकम आए, और ऐसी हमें अपने जो लाइफ है वर्किंग लाइफ है उसी के अंदर ही हमें इस कॉर्पस को इस एसेट को तैयार करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा साथ साथ जैसे बच्चों परिवार के लिए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं उसी तरह हमारे को इस प्रायोरिटी के ऊपर भी
फंडिंग करनी चाहिए इसका साइमल्टेनियसली। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे पास देखो हमारे बच्चे हैं जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अगर हमने ये सेल्फ रिलायंस के लिए प्रोविजन नहीं किया हमारे बच्चे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्या ये हमारा वाई डिसीजन रहेगा? तो इसलिए हमारे को जब हमारे बच्चों को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं तो हमें अपने जो इन्वेस्टेबल फंड्स है उनमें से कुछ पोर्शन हमें अपने लिए भी साइमल्टेनियसली रखना चाहिए और सेविंग करनी चाहिए और ऐसी सृष्टि एसेट की सृष्टि करनी चाहिए जो हमारे को प्रेडिक्टेबल इनकम दे सके। दोस्तों अगर इसमें कुछ हम फार्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास दो बच्चे हैं और मियां बीबी हम हैं तो हम अपने जो इन्वेस्टेबल फंड्स का है 40-40% हम अपने बच्चों के लिए लगाएं, अरे 10-10% तो हम अपने लिए भी रख सकते, तो 20% हम अपने सेल्फ रिलायंस के लिए रखेंगे तो हम ये हमारा हमारे लिए सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। अगर हम नहीं करते ना वी आर हम अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी लाइफ की होनी चाहिए और थर्ड प्रायोरिटी में अब हम चलते हैं कि हमारे जीवन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हम परिवार के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हमने उम्र कमाया, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे ना वर्ल्ड टूर करना है, मुझे जो है ना परिवार को जो है ना बहुत अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करके देना है, तो ये हमारी इच्छाएं हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी इच्छा होनी चाहिए और हम उनको पूरा भी करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टू स्टेप प्रायोरिटीज। हमारे को पहले अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग करनी चाहिए, उसके बाद हमें अपने अपने लाइफ को रिटायरमेंट लाइफ को गोल्डन पीरियड बनाने के लिए फंडिंग करनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास पैसा है तो हम एम्बिशन की तरफ हम दिमाग लगाएं उस पर खर्चा करें, नहीं तो भाई साहब जब अगर ये हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं है, सेल्फ रिलायंस का गोल पूरा नहीं है तो हमें इस एम्बिशन को होल्ड पे रखना चाहिए। तो मैं ये बात कहता हूं कि ये हमारी थर्ड लेवल की प्रायोरिटी है और फोर्थ लेवल की हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो है ना अपनी लाइफ में कई बारी माँ बाप सोचते हैं यार बच्चों के लिए एक प्लॉट लेके रख दो, दो बच्चे हैं दो प्लॉट लेके रख दो है ना, और वो प्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना उनको उनकी पेमेंट है मेरा है नहीं, बैंक से लोन ले लिया 50 साल पे लोन ले लिया, अब 15 साल तक किस्त भुगत रहे हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है ये यार बच्चों के लिए, बच्चे हमारे खुश होंगे, बच्चे आराम से रहेंगे, परंतु मैंने तो अपने सिर पे उठा लिया। तो हम कभी मिक्स कर लेते हैं लोग, हम समाज में देखते हैं लोग मिक्स कर लेते हैं, वो बुढ़ापे का यार देख लेंगे ना, बच्चे देख लेंगे अपने बच्चे अच्छे हैं देख लेंगे, मैं तो उसको ये करना। तो दोस्तों ये बात ठीक है, हमारे बच्चे ये खराब नहीं है, बट हमारे को बच्चों के साथ रहना है और ये नहीं कि उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होकर रहे। अगर हमें बच्चों के साथ रहना है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होके रहेंगे तो शायद हमारी डिग्निटी हमारी रिस्पेक्ट हमारी लाइफ में रिटायर्ड लाइफ में शायद नहीं मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी लाइफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को चला पाएंगे। हमने बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया बंदा बना दिया इनकम क्रिएट कर दी, अब सारी उम्र थोड़ी दौड़ाऊ के बाद कि हम लीगेसी भी क्रिएट कर दें। ये हमारी अगर मेरे पास फाइनेंस है पैसा है मेरी तीनों प्रायोरिटी पूरी हो रही है तब इसके बारे में सोचूं, तब सोचूं, नहीं तो इस प्रायोरिटी पे हमारे को जाना ही नहीं चाहिए। परंतु समाज में हम देखते हैं कि लोग जो है ना इस लेगेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तभी तो हमारी
हमारे हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारों के पास रिटायरमेंट के लिए अपने पास फंड से नहीं, दे रिमेन डिपेंडेंट अपॉन देयर चिल्ड्रन, और अगर चिल्ड्रन उनको अच्छे तरह से रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है, तो हमारे को ये पहले हमारे गोल डिसाइड हो कि हमारे को अपने जीवन में जो हमारे पास इनकम आ रही है उसमें रोज का खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कैसे किस किस मद में लगाएं। ये जैसे इसी ये सेम ऐसे ही है कि हमने डिसाइड कर लिया एक बिल्डिंग के अंदर कि हमें दो बेडरूम बना लिए, हमने ड्राइंग रूम चाहिए और क्या कहते हैं हमें पूजा रूम चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो ये हमारी प्रायोरिटीज है, इसको हमने डिसाइड कर लिया। तो दोस्तों अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि हम इन प्रायोरिटीज को कैसे पूरा करें। ये हमारी चार प्रायोरिटी है, यहां तक सुनील जी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताएं सर। क्लियर है सर, है क्लियर है, क्लियर क्लियर है। हाँ, अच्छा किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा ना सर वो लिख लेंगे, वो लास्ट में हम 10 मिनट देंगे सबको। अब ये तो हमारी हमने गोल डिसाइड कर, गोल का मैं बोलता हूं इट इज ए डेस्टिनेशन। हम दिल्ली में बैठे हैं, अब मुझे साउथ दिल्ली जाना है या मुखर्जी नगर जाना है, ये डेस्टिनेशन तय करेंगे तभी तो हम व्हीकल को चुनेंगे कि भाई कौन सी गाड़ी से जाए। तो ये फाइनेंशियल जो ये पैरामिड का सेकंड पार्ट है इट इज ए स्ट्रक्चर, ये क्या स्ट्रक्चर बनाए, क्या व्हीकल ले कि हम अपने गोल्स को पूरा कर पाए। तो ये एक ये स्ट्रक्चर है कि हमने हमने फाउंडेशन में क्या लगाए, हम पिलर कैसे बनाए और हम उसके ऊपर रूफिंग कैसे करें। इसी तरह ये फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि फाइनेंस जो है ना हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है। मनी जो है ना सुनील जी दो मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी करिए। अब ये जो फाइनेंस है हम नॉर्मल अपने शब्दों में बोलते हैं मनी, अब मनी है, मनी क्या है, इट इज ए मैन मेड रिसोर्सेस। जी सर, हमारे हमारे को भगवान ने ये भगवान ने हमारे को 5 तत्व दिए, छठा तत्व हमने बनाया, ये मैन मेड रिसोर्सेज है। बट हमारे को इस ये रिसोर्सेज जो है ना एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है, परंतु ये काम किस आता है मनी, मनी हमारी काम आती है हमारी जो नीड्स है, वांट्स है, एस्पिरेशन है, उनको पूरा करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट। इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे को जीवन में जो हम काम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, बाकी जो हमें और हमारे जीवन के लिए हमारे हमारे को जरूरत है, हमारी नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास मनी चाहिए, और ये इसके बिना हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल लगता है। तो इसलिए ये पैसा जो है ना ये हमारा ये रिसोर्सिस है, ये हमारा लिमिटेड है, और ये जो हमारी नीड वांट और एस्पिरेशन है ये हमारी अनलिमिटेड है, तो हमें इनमें तालमेल बिठाना है, इस तरह से बिठाना है ताकि जो है ना ये हमारे साथ ये मनी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है हमारे जीवन में ना के बराबर रहे, और ये वेल्थ हमारी जो ये वेल्थ है फाइनेंस को अगर हमारे को इकट्ठा करते हैं तो वो वेल्थ बन जाती, तो ये वेल्थ हमारी सदा हमारे साथ रहे। अब सुनील जी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमारे को पैसा कब तक चाहिए हमारे जीवन में? हमारी जो मैंने समझा है सर लाइफ में पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक चाहिए सर। तो हमारे को पूरी लाइफ चाहिए? हाँ पूरी लाइफ के बाद भी चाहिए सर पैसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम जो ये पैसा कमाते हैं जी तो ये हम हमारे वो भगवान ने 3 रिसोर्सेज दिए हैं, हम हमारे को भगवान ने शरीर दिया और दूसरा हमारे को भगवान ने दिया टाइम दिया, भगवान ने हमारे को माइंड भी दिया, इन तीनों को यूज करके वी आर क्रिएटिंग मनी, वी आर क्रिएटिंग इनकम। अब अगर तीनों में कहीं इफेक्ट होगा तो हमारी इनकम पे भी इफेक्ट होगा,
बिल्कुल होगा, इसलिए हमारे को इनकम को सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे परिवार में उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इन हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, हमारी अर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब कहां से, मेनली कहां से होती है, डेथ से, डिसेबिलिटी से, इलनेस से। तो हमारे को ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए जहां पे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाए जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करे। उसमें हमारा पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ये हमारी एक बेस है, अगर हमारे पास इनकम आएगी तो हम आगे जीवन को कुछ काम कर पाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, गंगा गंगोत्री से निकली है, अगर जो है गंगोत्री, अगर गंगोत्री ही बंद हो गई तो आगे पानी कहां से आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारी इनकम जो है ना, हमारे परिवार के लिए चूहा है गंगोत्री है, वहां से इनकम आती रहे, अगर बंद हो जाए तो हमें कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए कि हमारी फैमिली को वो सोर्स है ना, दूसरे सोर्स जो ना वो पानी का जो है ना वो फ्लो चलता रहे। तो हमारे को अपनी इनकम को पहले, सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे ऐसे प्रोडक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए जो हमारी इनकम को प्रोटेक्शन दे। सेकंड आता है रिस्क फ्री ग्रोथ। दोस्तों हमारे पास जो इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं बैंक एफडी, एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पोस्ट ऑफिस में, यहां पैसा लगाना चाहिए। अब लोग बागों का पहला ही ऑब्जेक्शन आता है, इसमें तो रोड़ा जी 5-6% का आता है, 6-7% तो इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन ही बीट नहीं करता। इनडायरेक्टली हम इनमें डाल के पैसा, अपने पैसे को डाउन कर रहे हैं। तो मैं उनको इस उपलक्ष्य में, मैं इस बात के लिए मैं उनको एक बात पूछता हूं कि हमारे को अगर हम इस रिस्क फ्री ग्रोथ के प्रोडक्ट में हम पैसा लगाएंगे तो हमारे को क्या एडिशनल एडवांटेज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कैपिटल जो हमने इतनी मेहनत से कमा रहे हैं वो एक प्रोटेक्टेड है, हमारे कैपिटल में कोई खयानत नहीं है। दूसरा इसमें एडवांटेज है कि इसमें एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न एंड ऑप्टिमम रिटर्न मिलती है, हिंदुस्तान में 6-7% आराम से आ रहा है। और थर्ड इसमें यह है कि कई बार हमारे जीवन में फाइनेंस में उथल पुथल होती है, कई बार हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। अब कोविड के दौरान लोगों के पास इनकम भी नहीं थी, इनकम धंधे बंद, और जहां पे बिजनेस का सर्कल था वो भी रुक गया। उसके बाद हमारे जो है ना आपका जो हमारी जो हमने ईएमआई देनी थी वो भी चालू है। तो ये सारा टर्बुलेंट टाइम था। उस समय मैंने सुनील जी मतलब कोविड के दौरान अपने कस्टमर को 2.5 करोड़ रुपया लोन लेके दिया है एलआईसी से। तो वो समय में, और उन्होंने बाद में आके मेरे को बोला है कि अरोड़ा जी मुझे, हमें तो इतना मतलब पहले समझ नहीं आई, अब समझ आ रही है कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। उन टर्बुलेंट टाइम के अंदर उन हमको ये सहायता देता है, हमारे को एक होल्डिंग कैपेसिटी देता है कि कल को हमारी जो दूसरी एसेट है उनमें अगर डाउनफॉल है। अब शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में 40-40% डाउन आ गया। अब या तो अगर मेरे पास अगर रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा है ही नहीं तो मुझे क्या करना है, मेरी पैसे की जरूरत है, 2 साल से मेरा काम नहीं चल रहा, और कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों का तो 2-2 साल काम नहीं चला, तो मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे झक मार के वो लॉस बुक करना पड़ेगा अगर मैंने रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा नहीं रखा। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी देता है। और थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि इसको जब मर्जी इनकैश कर लो, एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस ये पैसे को इनकैश किया जा सकता। फोर्थ इसमें बेनिफिट है कि बायर इज रेडी, आप बैंक में एफडी है, एलआईसी में जाओ सरेंडर करा लो, ले लो लोन, ले लो बैंक में एफडी है तोड़वा लो,
उसको आपको ये नहीं है कि बाहर ढूंढना है, वो तो तैयार बैठा, आ जाओ भाई, विद इन वेरी शॉर्ट नोटिस यू विल गेट द मनी। और इसमें फिफ्थ बेनिफिट है कि इसका जो एडवांटेज है, अब एफडी है, मैं जाता हूं बैंक में, मुझे पता है प्री मेच्योर पेमेंट लेना है, मुझे 1% बैंक काटेगा, ये पक्का है ना, तय है, ट्रांसपेरेंस है, तो मुझे मालूम है, तो मैं जाता हूं और लेके आ जाता हूं। तो ये नहीं है कि अगर मैं अगर जिंदा हूं तो भी मेरे को 1% काट के मिलेगा, भाई जी मैं नहीं हूं तो मेरी पत्नी को पूरे पैसे मिलेंगे, चाहे मेरी पत्नी अनपढ़ है या आईएएस है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी एसेट की वैल्यू भी लॉक रहती है, तो ये हमारे एक एडवांटेज है, और जिसकी वजह से हमारे को रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा लगाना चाहिए, और इस पैरामिड के अनुसार कितना लगाना चाहिए वो भी हम ये पैरामिड बता रहा है कि कितने लेवल का लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी एडवांटेज है। लोग सिर्फ ये बोलते हैं अब हमारे को रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे को पैसा चाहिए, चाहे वो 15% के प्रोडक्ट से आए या 25% के प्रोडक्ट से आए या 6% के प्रोडक्ट से आए, मेरा ये खर्चा है 50,000 रुपए, मुझे आना चाहिए, तो हमारे को वो प्रेडिक्टेबल इनकम हमारी आनी चाहिए, तो वो हमारे को रिस्क फ्री ग्रोथ से ही मिल सकती है। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मार्केट में ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हम अगर इस तरह की वार्तालाप करेंगे तो शायद उनको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा कि हम अब हमने रिस्क फ्री ग्रोथ में पैसा डाल लिया, और उसके बाद जब हमारे ये दो ये लेवल पूरे हो गए तो हमारे को एक एक कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार थोड़ा रिस्क में भी लगा ले, तो हम ग्रोथ विद रिस्क के प्रोडक्ट में भी लगाना चाहिए। उसका क्या आइडिया क्या होता है कि यार इसमें हमारे को ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, और इसी ऑब्जेक्टिव से हम इस ग्रोथ विद रिस्क में पैसा लगाते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो हमारे आते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड आते हैं, और आपका इक्विटीज आती है इस तरह, और यूलिप प्रोडक्ट आते हैं, गोल्ड आता है, इस तरह से हमारे को इन इन प्रोडक्टों में पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा रिस्क है, कैपिटल तो हमारी रिस्क में पे रिस्क तो आ सकता है, क्या पता कैपिटल हमारी 30% भी रह जाए, 50% रह जाए, 70% रह जाए, परंतु ये ऑब्जेक्ट के साथ के यार हमारे को चांस भी है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो थ्योरी है ना, उसके बेस में भी हम सोचते हैं रिस्क ले रहे हैं तो यार ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है, तो हम उसको जुडिस उसमें भी हमें पैसा तब डालना, उसमें भी डालना जरूरी है, रिस्क ना लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों हमारे थर्ड लेवल की प्रोडक्ट जो हमारा पैसा है वो ग्रोथ विद रिस्क प्रोडक्ट में लगना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल आता है हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ का मतलब इन दोनों में जो थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल में ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फर्क है। हाई ग्रोथ में हमें बड़ा पैसा लगाना है, और बड़ा पैसा लगता है जैसे रियल एस्टेट है, हम उसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट है उसमें करोड़ों रुपए लगता है, उसमें रिस्क भी हाई है, तो रिवार्ड के चांस भी हाई है। तो हमारे पास अगर ये हमारी ये जो पैरामिड की तीन स्टेप्स अगर हमारे पूरे हैं और फिर भी हमारे पास पैसा बच रहा है, तो हमको इस हाई रिस्क हाई ग्रोथ में भी पैसा हम लगा सकते हैं। और फिफ्थ आता है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मेनली कंसर्न विद थिंकिंग। आजकल वर्ल्ड क्रिकेट मैच चल रहे हैं, अब थिंकिंग है, मैं कहता हूं भाई ये अब मैच देख रहे हैं यार, इस ओवर में ना रोहित शर्मा 5 छक्के लगाएगा, दूसरा कहता नहीं 1 छक्का लगाएगा, मैं उसी पे 2 लाख रुपए की बेट लगा दू। दिस इज अ स्पेकुलेशन। तो भाई साहब अगर मेरी ये प्रायोरिटीज, ये जो हमारी ये जो लेवल है इन पे हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया और मैं कुछ खेल खेलना चाहता हूं, तभी जाए और समझ के जाए
और इसमें से अपने जो इन्वेस्टेबल फंड्स का है छोटा सा पार्ट ही लगाएं, ये ना हो कि लालच के चक्कर में हम सारे पैसे स्पेकुलेशन में लगाएं, तो वही होगा या तो रेल में या जेल में, या बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे। तो ये स्पेकुलेशन की हमारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम अपने जो पैसे की अप्रोप्रिएशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से हम एसेट बिल्डर चूज करें कि ये मतलब इन इन बातों का ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़े। और इसके साथ साथ हमारा जो ये जो हमारा हमने ये एसेट तो चूज किया, परंतु हम उन ये हमारा जो थर्ड एक जो हमारा फाइनेंशियल पैरामिड की साइड है, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो एसेट है उसमें ट्रांसपेरेंसी और परफेक्ट ट्रांसफरेबिलिटी भी हो और ग्रैनुलैरिटी भी रहे। ये हमारी ये थ्री नेचर ऑफ एसेट है। इसके अंदर हमारी ट्रांसपेरेंसी क्या है कि हमारे को पता हो कि भाई ये मेरे इतने पैसे हैं, ये आप मिलेंगे, ये इतना होगा, ऐसे है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये कब मिलेंगे, ये ट्रांसपेरेंट है। अब हमारा कुछ एसेट हमारी ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, आप गए तो आपको कुछ वैल्यू और बताई जा रही है, अच्छा दूसरा जाता है कुछ और वैल्यू बताई जा रही है। हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो एक सीआर की प्रॉपर्टी है तो हो सकता है मैं 1,10,00,000 की बेच पाऊं, और अगर मेरे बच्चे को मैं नहीं हूं, अगर मेरे और मेरी वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ है और वो 30 ईयर ओल्ड है, दो बच्चे हैं छोटे माइनर है, अब उनको मजबूरी में वो सेल करनी पड़ेगी तो वो कितना रेट ले पाएंगे। हो सकता है 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो शायद 70,00,000 में ही उनको बेचनी पड़ जाए। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइस, तो हमारे को ये चीज देखनी है कि हमारी जो एसेट में ट्रांसपेरेंसी रहे, हमारी ट्रांसफरेबिलिटी। अब देखो हमारी LIC की पॉलिसी है, एक फॉर्म भरने से चाहे 10 करोड़ की हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, इट इज आल्सो एन एसेट। एक फॉर्म भरने से असाइनमेंट कर दिया, एक मिनट में माना हम 10 मिनट में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर सकते। बाकी दूसरी जो और एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करने में, रियल एस्टेट में ट्रांसफर करने हैं, वकील को करना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी है, कागज बनाने पड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस तरह की सारी सोच कई झंझट मारी है। तो हर एसेट के साथ अलग अलग बैंक में ये तीन चीज है, इन तीनों और तीसरी चीज है ग्रैनुलैरिटी। अब मेरे को मेरे पास रियल एस्टेट है और मेरे को 5,00,000 की जरूरत है, 1 करोड़ की मेरे पास एस्टेट है। अब मैं कुछ 5 गज थोड़ी बेच पाऊंगा या 5 गज के टुकड़ों में ले पाऊंगा, परंतु मेरी LIC की पॉलिसी है, मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है और मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं आगे प्रीमियम भी कम करना चाहता हूँ, उसको स्प्लिट करा दूं, मैं 10 पॉलिसियां स्प्लिट करा दूं, 15-20 में करा दूं, तो ग्रैनुलरिटी है। हम पीसीज में कर सकते हैं, हम FDs को भी, हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी पीसीज में कर सकते हैं और उसको विड्रा भी पीसीज में कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट जो है ना वो हमारे लिए, हमारे पास उसमें ग्रैनुलरिटी भी होनी चाहिए। जो भी हमारी एसेट है वो ग्रैनुलरिटी को भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। और इन सब फैक्टर्स को ख्याल में रखने के लिए हमारे पास एक चीज और देखनी है कि हमारे जो हम एसेट ले रहे हैं उसका यूसेज क्या है, कौन यूज, हमारा यूसेज क्या है। मैंने बच्चे की शादी के लिए लेना है या वर्ल्ड टूर के लिए लेना है, वर्ल्ड टूर करने के लिए मैंने कोई एसेट दी और उसका प्रोविजन किया, और उसका यूजर कौन है। अब मैं कोई मान लो प्रॉपर्टी ले रहा हूं और अभी मेरे बच्चे तो 2-2 साल के, कल को मैं निकल गया, मेरे बच्चे क्या उसको सही ढंग से हैंडल कर पाएंगे, क्या उसकी राइट वैल्यू राइट टाइम पे ले पाएंगे। तो यूजर को भी दे, मैंने अपने बच्चे के लिए एसेट लेनी है,
अब मैं उसको प्लाट लेके छोड़ दूं या उसको शेयर बाजार शेयर लेके छोड़ दूं, अभी तो वो है ही 5 साल का, कैसे हैंडल कर पाएगा? मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, उसको कैसे हैंडल कर पाएगी? तो हमारे को एसेट को में पैसा डालने के लिए हमारे को ये भी देखना है कि उसका यूजर कौन है, और यूज मतलब हमारी जो एसेट है हमारे प्रेफरेंस करना चाहिए, अवर एसेट शुड बी यूजर फ्रेंडली एसेट। अगर यूजर फ्रेंडली एसेट होगी तो हमारे जिनको हम देना चाहते हैं वो सही ढंग से हैंडल कर पाएंगे, राइट टाइम पे राइट वैल्यू के साथ उस एसेट को एंजॉय कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एक हमारे को जो एसेट है अब हमारे को एसेट बाई करते हुए कुछ मतलब हमारे को जो गोल्स है गोल्स निर्धारित करते हुए हमारे को अपनी मैप ऑफ लाइफ में भी देखना चाहिए कि हमारे जो गोल्स हैं वो किस तरह के हैं, उसमें हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं या वो जरूरी है, हम अपने जीवन में उस गोल्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारे को जो हमारे नॉट नेगोशिएबल गोल है जो हमारे लिए जरूरी है, मैं बच्चे की शादी अपने जीवन से का खर्चा अपने जीवन से नहीं निकाल सकता, बच्चे की एजुकेशन का खर्चा अपने जीवन से अवॉइड नहीं कर सकता, ये हमारे नॉट नेगोशिएबल गोल्स है। तो इनको हमारे को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे को ये चीज देखनी है कि हमारे नॉट नेगोशिएबल गोल है तो हमारे को इसको किस हिसाब से फंडिंग करनी है। अब इससे एक और अच्छा रास्ता आ सकता है कि हम अपने गोल्स को 3 लेवल पे डिवाइड कर ले कि भाई देखो कम से कम मेरे को शादी के लिए 20 लाख तो चाहिए, अदरवाइज अपना काम नहीं चलेगा। और मैं पूछता हूँ भाई साहब अगर 30 लाख दे दूं तो यार बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, फिर तो और अच्छा हो जाएगा, मैं उसको एक बड़ी गाड़ी दे सकता। और फिर वो सामने वाला ये बोलता है भाई साहब आप 70 लाख दे दो ना तो मैं डेस्टिनेशन मैनेज। तो हमारे को अपने गोल्स को 3 लेवल पे बांटना चाहिए और उस हिसाब से मैं कहता हूँ जो हमारा मिनिमम लेवल है वो तो कम से कम रिस्क फ्री ग्रोथ से हम ले, बाकी लेवल के लिए हम रिस्क ले सकते हैं। तो हमारे को ये प्लानिंग करते हुए हमारे को ये समझना चाहिए कि हमारा गोल्स क्या है। नेक्स्ट है मतलब इसमें नाइस टू है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मैं उसके लिए प्रोविजन कर रहा हूँ, बाइक में नहीं हुआ है मतलब प्रोविजन कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम रिस्क ग्रोथ विद रिस्क में पैसा लगा सकते हैं। शाबाश शाबाश चाचा जी जबरदस्त, ताकि जो है ना वो हमारा अगर हमारे को वो पैसा मिल जाए, ज्यादा पैसे की उम्मीद रख के करेंगे ना तो ज्यादा पैसे की उम्मीद रख के करेंगे, अगर वो मिल गए ज्यादा तो घूम आएंगे भाई पूरे परिवार सहित। आपका मैंने प्लान किया था कि भाई मैं सबको जो ना परिवार को मैं स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, अब हमारा अब वो उसमें रिस्क तो है, अब मैंने उम्मीद किया था मैंने 5 लाख लगाया, उम्मीद किया था मुझे 15 लाख मिलेगा परंतु 5 का 6 रह गया, तो भाई बजाए उसके यार हम जो ना मलेशिया में काम चला ले, मलेशिया में काम चला लेंगे क्योंकि इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारा एक नॉट नेगोशिएबल गोल नहीं है, ये हमारा नेगोशिएबल गोल है, मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे को, और एक लास्ट में एक बात और, टाइम क्या है सुनील जी? टाइम आप ले लो सर 5 मिनट ले लो और टाइम तो हो गया लो लो। एक हमारी ये डायमेंशन है कि ये एक और हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए एसेट परचेज करते हुए हमारे को एक चीज इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हर इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साइड होती है, 3 चीज होती है, एक तो होती है सेफ्टी, एक होती है लिक्विडिटी, एक होती है यील्ड। ये तीनों साइड जो है ना इंटरलिंक्ड है, अगर हम एक को कुछ डिस्टर्ब करेंगे एक से साथ छेड़छाड़ करेंगे तो दोनों को इफेक्ट होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हमें जो है ना सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो हमें यील्ड पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और हो सकता है लिक्विडिटी पे भी कंप्रोमाइज कर। अगर मुझे यील्ड ज्यादा चाहिए तो मुझे सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और उसको हमें प्रायोरिटी लो देनी पड़ेगी
हो सके। तो इस तरह से हर इन्वेस्टमेंट में ये तीनों चीजें हैं। ये भी एक फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए हमारे को ये भी मद्देनजर रखना है कि हमारे गोल्स के अनुसार हम कौन से प्रोडक्ट में किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमारे को रिटायरमेंट का गोल है, हमें मिनिमम 25,000 रुपए चाहिए, तो हमारे को सेफ्टी के ऊपर हमारे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 25,000 नहीं मिले तो हमारा पेन लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गोल वाइज हमारे को ये 3D, 3 डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये सवारे, ये सब जितनी भी बात हमने चर्चा की है, ये सभी हमारे को फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि फाइनेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज, ये हमारी लाइफ के लिए को सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो हमारे को बहुत उचित ढंग से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि हमारी वेल्थ रिमेन्स फॉर एवर। अगर इस इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके अगर हमारे अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, तो दोस्तों मैं इतना, मतलब मेरा विश्वास है कि हमारे जीवन के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर से बाहर रहेंगी और हम अपनी लाइफ को बड़ी खुशी से, शांति से और गोल्डन पीरियड के रूप में, गोल्डन लाइफ के रूप में अपने को चला सकते हैं, और हमारे बच्चे भी सुख शांति से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज के लिए, कुछ मेरे से गलती हुई हो, अरे क्षमा करना, जो मुझे आता था। सुपर सेशन सर, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। हमारी एपीआरटी की परंपरा है सर, हमारे जो भी स्पीकर आते हैं अच्छा बोलते हैं, बढ़िया करते हैं। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल भाई से कि हमारे सुरेश अरोड़ा जी का थैंक यू करें, वोट ऑफ थैंक्स दें उनको। आज हम सवाल जवाब नहीं ले पाएंगे, थोड़ा लेट हो गया सेशन। अतुल भाई वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आज के सेशन के लिए। फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में आपने बात करी, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के बारे में बात करी, रिस्क फ्री ग्रोथ की बात करी, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कौन सी जगह पे कौन सी चीज फिट होती है, आज अपने लाइफ इंश्योरेंस और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स को तो कैसे अच्छे तरीके से हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे में बात करी चाचा जी। मुझे लग रहा था कि जब हम आपका सेशन चल रहा था तो टाइम ने आपको आप पूरा सब कुछ देने के लिए रोक दिया, क्योंकि आपके पास और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो आप आगे बताना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 9 बजे हमें ये सेशन कंप्लीट करना होता है। तो चाचा जी इसी इसी जो आपके टॉपिक को हम आगे फिर दोबारा एक बार